मोदी सरकार खिलाफ लड़ रहे किसान यूनियन के वख-वख मैंबरां वल्लों अपने हक्कां लई दिल्ली के बार्डर से लड़ाई की जा रही है। यह लड़ाई पिछले लगभग एक साल के नेड़े दे समय तो दिल्ली के बार्डर से चल रही है। इस तहत ही किसान यूनियन नाल जुड़े हुए गुरनाम सिंह चडूनी वल्लों अज सरहदी खेत्र फाजिलका के पिंडां ते शहरां विच दौरा किया गया अते लोकां नूं आह्वान किया गया कि आने वाली फरवरी 2022 विच जो कि विधानसभा दीआं वोटां आ रही ने इस विच चंगे ते सूझवान उम्मीदवार चुने जाण जो कि किसान मजदूर हक्कां दे नाल नाल मुलाजम ते जिमीदारां तों इलावा दुकानदारां दे हितां दी भी राखी कर सकन। इस मौके उन्हां होर की कुछ कहा, इह सब कुछ जानण लई साडे नाल बणे रहो अते साडी पूरी कवरेज वेखो। मेरा नाम गुरनाम सिंह चडूनी है, तो भारतीय किसान यूनियन चडूनी का राष्ट्रीय पता। अज किवें फाइल का आना होया? अज पंजाब आए हैं मिशन पंजाब के तहत, आप मीटिंग कर रहे हैं जगह जगह से। अज इतने आप फाजिलका के खड़े हैं, इतने जो पुराने साडे ये सारे साढ़े नाल खड़े ने। आप बेनती कर रहे हैं कि तुसी जिहड़े बुद्धिजीवी समझदार लोग हो पंजाब के, वो अगे लग के पंजाब नूं बचाउण वास्ते, देश नूं बचाउण वास्ते ये रवायती पार्टियां तो किनारा करो, तो अपना सारे इकट्ठे हो के पंजाब दे विच मिशन 2022 जिहड़ा इलैक्शन आ, उस इलैक्शन दे विच अपने चंगे ईमानदार समझदार रब नूं मनण वाले वो उम्मीदवार खड़े करो। तो 22 तो 24 तक जे तुसीं बहुत चंगा काम करके दिखा देंदे हो तो 2024 दे विच पूरा देश पंजाब दा अनुसरण करेगा। राजनीति दा मारिया देश राजनीति नाल ही बचेगा, पानी दी मारी खेती पानी नाल ही हरी होगी। दिल्ली दे अंदरलों नूं काफ़ी लंबा समा हो गया है जिहड़ा सरकार वालों किसानों की मंगा वाल ध्यान नहीं दिता जा रहा, उनके संबंध की कहना? बिल्कुल, ये हटी राजा है, तो हटी राजा का फिर जिहड़ा जे आप इतिहास भी चक के देखिए जिहड़ा हटी राजा होता है वो देश भी तबाह करता है, वो परिवार भी तबाह करता है। भावें आप रावण का उदाहरण लीए जिदे अज दशहरे पुतले फूकते हैं, तो भावें आप दुर्योधन का उदाहरण लीए ये उन्होंने राज हट किया है, तो परिवार भी तबाह कर लिया है, तो अपना देश भी तबाह कर लिया। उ हाल मोदी कर रहा है, जिहड़ा इहदा ग्राफ 64% सी वह घट के 22% पर आ गया। जिहड़ा यूपी च जिहड़ा किसानां ते अत्याचार होया उहदे संबंध च तुहाडा की कहना? बदकिस्मती है साडे देश की कि साडे देश नूं इहो जिहे नेता मिलदे ने, मैं इसे करके कह रहा हाँ भी आ राजनीति शुद्ध करती है। रब तो बाद जिहड़ा है सरकार जनता की रखवाली करती है, पर इत्थे वो लोग सत्ता दे विच आ गए ने जिहड़े जनता नूं कुचल दे ने, मारदे ने गड्डियां चढ़ा चढ़ा के। वो जनता दे बहुत समझ अपने आप नूं समझ बैठे ने, जनता दे सेवक नहीं सब अपने आप नूं समझ रहे। बदकिस्मती है उत्तर प्रदेश किसानों की हत्या कर रही है, कई करनाल से करती है, इसे तरह सिलसिला जारी है, कई जगह से अपने मुंडे इकट्ठे कर करके हमले करवा रहे। सरकार तो की मांग करते हो? सरकार तो मंग है कि सरकार जिनी छेती मंगा मान ले कि वो देसी दे विच ने, जिहड़ा असी जो कुछ मंग रहे हैं वो ये नहीं है कि असी अपने वास्ते ही मंग रहे हैं, वो पहली गल तो है कि पूरे देश के आम जनमानस की मंग है, तो दूजा वो देश के हित के विच ये देश में बेच रहे हैं टुकड़े टुकड़े करके, तो रुपये की चीज चवन्नी च बेच रहे हैं, तो इस जिहड़े अंदोलनकारी ने वो देश में बचाने वास्ते अंदोलन लड़ रहे हैं भी आ देश का जिहड़ा कारोबार वो सारा कंपनियां को ना जाए, वो कारोबार जनता दे। किसानों नूं की अपील करते हो? किसानों नूं अपील करते हैं भी जिहड़ा धरना चल रहा है उस धरने ते हर पिंड चों घट तो घट 10 बंदे उस धरने ते रहन, ते दूजे पासे इलैक्शन दे विच जिहड़ा है रवायती पार्टियां नूं सारियां नूं किनारे करो, रवायती पार्टियां नूं सारियां नूं भजाओ, तुहाडी अपनी वोट
किसानों की जिन्हों के नाम जमीन है 80 लाख तो वध वोट है तो 59 लाख वोट ना सरकार बनी है, मजदूर थोड़े तो नाल है तो वोट थोड़ी है तो फिर राजनीति थोड़ी होनी चाहिए जी वोट वोदा राज इतने ये हो कि वोट थोड़ी है राजकार समर्थकों का ये अपील उन्होंने भी अपने छूगे बंदे खड़े करो। थैंक यू सर। ABN न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि ABN न्यूज़ चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।